हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है हाईकोर्ट ऑफ झारखंड की तरफ से। टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो ये मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाइए वहां पर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से जॉब के डिस्क्रिप्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि झारखंड हाईकोर्ट में टाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट आई है। हाईकोर्ट ऑफ झारखंड यानी कि रांची में आपका पोस्टिंग होगा। दो तरह के एडवर्टीजमेंट आए हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2024 के अनुसार टाइपिस्ट या कॉपिस्ट के लिए 17 सीट होगा, कोर्ट रीडर के लिए आपका 14 सीट होगा, डिपोजिशन टाइपिस्ट के लिए 218 सीट होगा। एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2024 के अकॉर्डिंग आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 397 पोस्ट होगा, ये सिविल कोर्ट के अंदर होगा। सेकेंड, जुडिशियल अकेडमी के लिए 2 सीट रहने वाला है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो आपने देखा यहाँ पर टाइपिस्ट का 17 है, कोर्ट रीडर का 14 है, डिपोजिशन टाइपिस्ट का 218, इंग्लिश स्टेनोग्राफर का 397, सबसे ज्यादा इसी पोस्ट के लिए आपका सीट रहने वाला है। जुडिशियल अकेडमी का 2 सीट, टोटल पोस्ट आपका 648, मतलब 700 के करीब सीट रहने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये सभी पोस्ट का क्या सैलरी रहेगा। टाइपिस्ट या कॉपिस्ट और कोर्ट रीडर के लिए लेवल 4 की सैलरी मिलती है। 25,500 से स्टार्टिंग होती है और लास्टली आपको मिलता है 81,100, मतलब 90,000 के करीब सैलरी जाती है। डिपोजिशन टाइपिस्ट को लेवल 2 का मिलता है, 19,900 रुपये से स्टार्टिंग होती है और लास्टली मिलती है 63,200 रुपीज, मतलब 64,000 के करीब सैलरी मिलती है। इंग्लिश का जो स्टेनोग्राफर है और जुडिशियल अकेडमी, इन दोनों के लिए भी लेवल 4 की सैलरी होती है। 25,500 रुपये से शुरुआत होती है, आफ्टर इंक्रीमेंट 81,100, मतलब 90,000 के अप्रॉक्स सैलरी जाती है। चलिए अब इन सभी पोस्ट के बारे में डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होगा 1st of March से, लास्ट डेट टू अप्लाई 31st of March होने वाला है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 31st of March। 1 मार्च से जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा आप अप्लाई कर देना, ताकि बाद में सर्वर इशू का सामना नहीं करना पड़े। अब जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा, आइए बता देती हूँ। जनरल BC1, BC2 और EWS, साथ ही साथ अदर स्टेट कैंडिडेट से 500 रुपीज यहाँ पर फी लिया जाता है। वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हो झारखंड से तो आपको 125 रुपीज ही फॉर्म फी देनी होगी। तो ये तो रहा फॉर्म फी की बात। अब एज का क्या क्राइटेरिया है मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं किस डेट से एज कैलकुलेट किया जाएगा। एज ऑन 1st January 2024, मतलब 1 जनवरी 2024 के अनुसार 21 वर्ष से 35 वर्ष के जो जनरल या अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे वो सभी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मतलब 21 to 35 ईयर्स फॉर जनरल एंड अदर स्टेट कैंडिडेट्स। EWS के लिए 21 to 37 ईयर्स, यहाँ पर 2 ईयर्स का उनको यहाँ पर अपर एज में दिया गया है रिलैक्सेशन। BC1 और BC2 को 21 to 38, मतलब 38 वर्ष, यानी कि उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 21 to 40 ईयर्स, मतलब 5 साल का छूट SC ST कैंडिडेट्स को मिलेगा। अब देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपली जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं सभी इलिजिबल होने वाले हैं। तो ग्रेजुएशन मतलब कोई भी स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आप इलिजिबल रहोगे, डजेंट मैटर क्या परसेंटेज है। आगे देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन यहाँ पर बहुत आसान होने वाला है, ओनली फॉर 2 स्टेज आपको यहाँ पर देना होगा। देखिए, वो भी पहला स्टेज पर आपका टाइपिंग होता है। आपको पता है कि सारा टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर ये सबसे, तो टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट होता है, 90 नंबर के लिए होगा। उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है 10 नंबर का,
देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाती है। तो आइए देखिए आपका जो एडवर्टीजमेंट दो तरह की आई है। एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2024 के लिए इंग्लिश का टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए, क्वालिफाइंग रहेगा। हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, ये आपका मेरिट जो बनेगा हिंदी टाइपिंग के बेसिस पे बनेगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपका 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट का, ये आपका 90 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर भी ये दोनों आपका 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये दोनों एडवर्टीजमेंट का अलग अलग है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। देन क्या होता है आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होगा 10 नंबर के लिए। और जो आपका ये टाइपिंग या स्टेनोग्राफी होगा इसमें आपको 5% अगर आप गलती करते हो तो माफ कर दिया जाता है। सो दिस इज ओवरऑल डिटेल्स अबाउट न्यू वैकेंसी ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के अंदर जो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की आई, मैंने कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कहीं पर भी मन में अब भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पहले ही बता दिया है कि इसका नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।